नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो जानकारी है खान शब्द के बारे में। तो आप जानते हैं कि काफी मुसलमान आपने देखे होंगे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, सिर्फ जिनके पीछे खान जो है टाइटल कह लीजिए या खान जो है वो जाति कह लीजिए या खान कास्ट लगती है, हमें कास्ट लगती है ना, वो खान है क्या? और ये जो टाइटल है नॉर्मली अगर कोई कन्वर्ट भी होता है तो उसको आसानी से दिया नहीं जाता, मुस्लिम क्लरिक्स उसको देते नहीं आसानी से। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये खान है क्या। ठीक है ना, तो आपने एक आदमी का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, चंगेज खान। अगर हम उसको विकिपीडिया में देखेंगे तो इंग्लिश में डालेंगे तो उसको अंग्रेजी में विकिपीडिया पकड़ता है गेंजिस खान, वो जो इंग्लिश के। अब ये गेंजिस खान कौन था? ये खान की शुरुआत वहीं से है। ये खान एक्चुअली में टाइटल है मंगोलिया के शासकों का। मंगोलिया के शासकों का मतलब क्या हुआ कि जो मंगोल जो भाषा हो गई उसके अंदर राजा को खान कहते हैं। ठीक, अब ये चंगेज खान कौन था? ये ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स था, एम्परर ऑफ चाइना। तो ये मंगोलिया का राजा था और जो मंगोलिया आपको पता है छोटा सा देश है नॉर्थ में, चाइना के नॉर्थ में, और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। आप इसको देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है मंगोलिया की तो आपको समझ में आएगा। पॉपुलेशन ऑफ मंगोलिया आज की डेट में मोर और लेस समझ लीजिए 2020 की अगर मैं बात करूं तो ये 32 लाख है, सिर्फ 32 लाख। तो उस समय भी कम थी और आप जानते हैं चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां के जो राजा है मंगोल लोगों को वो तंग करते थे। तो जब ये राजा बना तो इसने फिर चाइना के ऊपर अटैक किया और चाइना के जो राजा थे वो इसके अंडर आ गए सब। अब इसको बड़ा बार्बेरिक या दुर्दांत लड़ाका माना जाता है। अब ये दुर्दांत क्यों माना जाता है? एक तो इसने चाइना पे अटैक किया, दूसरा दुर्दांत इसलिए माना जाता है इसको इसकी लड़ाई के हिसाब से कि इसके टाइम पे मंगोलिया, आप समझ गए, अब ये बड़ा पावरफुल शासक था। तो ये मतलब इसके कुछ जो ट्रेडर्स थे, मतलब 500 करीब ट्रेडर थे, समरकंद जगह थी वो, आपको मतलब हिस्ट्री में जाएंगे तो ज्यादा मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मतलब ये समझ लें आप कि अफगानिस्तान से लेकर साइप्रस तक एक राज्य था, उसके अंदर इसके जो मर्चेंट्स थे वो बिजनेस करने जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो है 500 उनके जो मर्चेंट्स थे उनको मार दिया गया। उसने अपने तीन जो है दूत भेजे वहां के राजा को कि भाई ये उनको क्यों मार दिया गया, और जिसने मारा है, जिसकी सेना ने मारा है, आपके गवर्नर की सेना ने मारा है, उसको पनिश किया जाए, उसको मेरे पास भेजा जाए, मैं उसको पनिश करूंगा। तो उसके जो किंग ने जो है वो एक मर्चेंट को मार दिया और एक दूत को मार दिया और बाकी दो दूतों को पीट के भेज दिया उसके पास। अब ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि दूत को तो मारा नहीं जाता, ये जनरल बात। अब चंगेज खान इसलिए उसने हमला किया, हमला करने के बाद उसको मार दिया, उसके जो बेटा और उसके पोते वगैरह थे वो सिंध की तरफ भागे, तो उसको वहां तक चेज किया, इंडिया पर आके वो रुक गया, इंडिया के अंदर नहीं आया वो। एक उसकी मजबूरी थी, उसको वापस जाना था, दूसरा उसका जो धर्म था। अब धर्म देख लेते हैं, चंगेज खान का धर्म क्या था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको लगे नहीं कि मैं गलत बता रहा हूं। रिलीजन ऑफ चंगेज खान, ये टेंगड़ी रिलीजन, चंगेज खान वाज अ टेंगरिस्ट। ठीक है ना, टेंगड़ी रिलीजन है ये। टेंगड़ी रिलीजन जो हो गया वो एक तरह से सनातनी रिलीजन के आसपास का रिलीजन मान सकते हैं आप, रिलीजन शब्द ठीक नहीं, धर्म मान सकते हैं। उसमें भी काफी सारे जो भगवान की पूजा होती है, जैसे आकाश की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, इस तरह से सब तरह से पूजा करते हैं वो, उनको मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो ये जो चंगेज खान था इसने, हिस्टोरियन ये कहते हैं, 14 मिलियन यानी कि 14 करोड़ मुसलमानों की हत्या के नहीं मार दिया। सिर्फ इसने नहीं मारा, इसके बच्चे और इसके जो पोते थे, इसके बाद इसका बेटा हुआ, इसके बाद इसका पोता आया राजा बना, इसके पोते के नाम पे है सीज ऑफ बगदाद।
सीजा बगदाद को विकिपीडिया में हम क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका पोता, इसका नाम था हुलागु खान। इसकी फोटो देख लीजिए आप, हुलागु खान की, चंगेज खान की फोटो आपने देख ली, वो कुछ चाइनीज से कुछ ऐसे से लगते हैं हमें, है ना। इसने बगदाद को घेर लिया, बगदाद के अंदर काफी यूनिवर्सिटी वगैरह थी, बुक्स थी, जो आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम पे अरेबिया में भी नॉलेज थी। उस बुक्स को और वहां के जितने पढ़े लिखे लोगों को मार दिया था, उसी तरीके से जैसे मुसलमान आते थे लड़ाई करते थे, हिंदुस्तान पे कब्जा करते थे तो सारी लाइब्रेरी वगैरह जला दिया करते थे, ठीक, वो मार दिया करते थे नॉलेजेबल आदमी को, प्रोफेसर को, लेक्चरर्स को वगैरह, ठीक है। तो इसने भी वही किया, इसके पोते ने भी यही किया, तो वहां पर ये बड़े स्ट्रांग थे। आप देख लीजिए कहां मंगोलिया और कहां बगदाद। तो ये कहा, मतलब कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि 4 करोड़ मुसलमान चंगेज खान ही नहीं मारते थे, और खान जो हो गए आप समझिए बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन वो खान वो शब्द बड़ा मशहूर हो गया, लेकिन खान जो है जो चंगेज खान से आ रहा है, मुसलमान से उसका कोई लेना नहीं, वो तो मुसलमानों को मारने वाला हो गया, वो जो हो गया मंगोलिया का होगा, उसकी धर्म जो है टेंगड़ी धर्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो मुसलमान है अपना नाम जो है खान रखते हैं। अब समझ से बाहर की बात है कि ऐसा क्यों करते हैं, बट ये खान की मैं हिस्ट्री बताना चाह रहा था आपको। अब ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सुहेल खान, ये आपने सुने होंगे, इमरान खान, अब क्यों ऐसे रखे हैं वो ये जानेंगे, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट खान। खान हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम, इट कम्स फ्रॉम मंगोलियन लैंग्वेज, जिसका मतलब जो है वो किंग होता है। बस यही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत